वेलकम टू दी एस्पिरेंट इन्फो। भारत की सबसे सुंदर आईएएस महिला अधिकारी के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप सब की अपने चैनल दी एस्पिरेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपको समय समय पर मनोरंजन और समाज से जुड़ी नई नई जानकारियों से अवगत कराते रहते हैं, तो आज ही हम आपके लिए एक ऐसी ही समाज से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं। आप भी अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक करें व दूसरे लोगों में शेयर करें, जिससे आपकी तरह अन्य लोग भी मनोरंजन व समाज से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते रहें और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें। दोस्तों, आज हम आपको देश की एक ऐसी महिला अधिकारी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो समाज में अपने द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की वजह से तो जानी ही जाती है, बल्कि वह अपनी खूबसूरती की वजह से भी लोगों में चर्चा में बनी रहती है। लोगों का मानना है कि यह महिला आईएएस ऑफिसर देश की सबसे खूबसूरत महिला अधिकारी में से एक है। लोगों के द्वारा इनकी खूबसूरती की जम कर तारीफ भी की जाती है। यही नहीं, जब भी इस महिला अधिकारी की कोई तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड होती है तो लोग उसे इतना पसंद करते हैं कि वह वायरल हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि देश की खूबसूरत और अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए समाज में उचित स्थान रखने वाले इस महिला अधिकारी के बारे में। 2001 बैच की इस खूबसूरत महिला अधिकारी का नाम है स्मिता सबरवाल। स्मिता 2001 में आईएएस ऑफिसर बनी थी। इसके पहले उन्होंने हैदराबाद के सेंट फ्रांसिस डिग्री कॉलेज में से ग्रेजुएट में डिग्री हासिल की। खबरों के मुताबिक बताया जाता है कि देश के किसी भी शहर में इनका ट्रांसफर होता है तो यह अपने कार्य के अंदाज की वजह से उस जगह के लोगों के दिलों में अपना घर कर जाती है। इन महिला अधिकारी के कार्य करने के अंदाज को लेकर देश भर में सोशल मीडिया से लेकर आम जनता में इनकी तारीफ की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त यह महिला अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय का कार्यभार संभाल रही है और इसी कार्यालय में इनके पति की भी नियुक्ति है। बताया जाता है कि इनके पति डॉक्टर अकुन संबरवाल मुख्यमंत्री कार्यालय में अपने अच्छे स्वभाव के लिए वजह से चर्चा में बने रहते हैं। देश की सबसे युवा महिला अधिकारी स्मिता सबरवाल का एक छोटा सा परिवार है। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मैं ऐसी नॉलेज वाली वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद।